नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन नाग। चंद्रेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को देखकर श्रद्धालुओं ने अपने शब्दों में धन्यवाद देकर आभार व्यक्त करा। महाकाल के पुजारी रमन गुरु ने आज नाग चंद्रेश्वर का महत्व बताते हुए विस्तृत जानकारी दी। हमारे चैनल से पुलिस प्रशासन से DSP दीपिका सिंधे द्वारा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया और DSP दीपिका शिंदे अपनी टीम के साथ श्रद्धालुओं की व्यवस्था में लगातार खड़ी दिखाई दी और स्वयं व्यवस्था में लग गई। उनकी टीम भी लगातार श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित करते चले जा रहे थे ताकि कोई अव्यवस्था दर्शन में ना हो। देखिए, आज नाग चंद्रेश्वर के दर्शन है, नाग पंचमी है। यहाँ पर हम यदि बात करें तो काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पुलिस यहाँ पर रात 12 बजे से यहाँ पर लगी हुई है व्यवस्थाओं के अंदर। आप देख सकते हो कि पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और श्रद्धालुओं को दर्शन करा रही है। हम आपको दिखाते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और लगातार पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं आगे और आइए और आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी काफी भीड़ यहाँ पर दर्शन के लिए आई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफी अच्छी यहाँ पर पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रही है और काफी नहीं, आप थोड़ा नाग चंद्रेश्वर के दर्शन भी यहाँ पर हमारे दर्शकों को कराइए कि किस प्रकार से यहाँ पर दर्शन और दूध। खास बात तो यह है कि साल में एक बार यहाँ पर द्वार खुलता है और नाग चंद्रेश्वर का महत्व यहाँ पर जानते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे बीच में पुलिस प्रशासन से भी। यहाँ पर लगातार रात 12 बजे से पुलिस प्रशासन लगी हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम बताइए, लगातार आपके द्वारा मैडम बताइए लगातार आपके द्वारा सेवा की जा रही है, क्या व्यवस्था यहाँ पर? यहाँ जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उन्हें अच्छे दर्शन कराए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थियों को दर्शन कराए जाए। श्रद्धालुओं से आपकी क्या उम्मीद है, क्या मैसेज है आपके लिए? बस हम यही चाहते हैं कि वो सुरक्षित यहाँ तक पहुँचे, अच्छे से दर्शन करें और महाकाल बाबा और नाग चंद्रेश्वर मंदिर की अच्छी यादें लेके अपने साथ जाए। धन्यवाद मैडम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पुलिस प्रशासन काफी लगा हुआ है और काफी यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं और जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है और लगातार दर्शनार्थियों को आधे घंटे के अंदर यहाँ से दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हो कि महाकाल की व्यवस्था जो की गई है बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। भारत टाइम्स न्यूज के साथ में कैमरा पर्सन कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट उज्जैन। बताइए, आज नाग चंद्रेश्वर के दर्शन है, क्या महत्व है? अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम दृष्टराश्रम तक्षकम नाम्बिलम तथा एतानि नौ नामानि नागानां च महात्मनां। श्रावण मास शुक्ल पक्ष नाग पंचमी महापर्व उज्जैन तिथि मुख्य पुजारी महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पुजारी रमन गुरु त्रिवेदी आपको महाकालेश्वर और नाग पंचमी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज महापर्व है, धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए ये पुण्य पर्व साल भर में एक बार आता है। आकाशे तारका लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमस्ते। तीन लिंगों में सर्वप्रथम महाकालेश्वर लिंग है, वो यही तक्षक नाग ने हजारों लाखों साल तक यहाँ पे तपस्या करी, भगवान से आशीर्वाद दिया और भगवान ने उनको गले में धारण कर लिया। इस प्रकार से ये उज्जैनी नगरी जहाँ पे आप आज लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं नाग पंचमी के, ये नगरी 7 बार अयोध्या बसरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा सप्तमुनि में सबसे बड़ी है और इसका महत्व इतना है, ये नदी उज्जैन को पूरे गले में जिसे सर्प होता है ऐसा सर्प धारण करके गले में धारण किए हुए है उज्जैनी को। इसलिए यहाँ आने का महत्व है कि आप सब तीर्थों का राज्य में आ गए हैं। भगवान महाकालेश्वर के दरबार में यह मंदिर लाखों साल बुलाना है। जो प्रतिमा है उसमें 11 प्रतिमा है, उमा महेश्वर शेषनाग विराजमान है। 11 शेषनाग का मंदिर कहीं पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे पृथ्वी में नहीं है। आज इसका महत्व तो ये है कि इनको दर्शन करने मात्र से, छूने मात्र से, स्मरण करने मात्र से सब प्रकार की धन धान्य की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र की कामना होती है
वो काल सर्प की शांति होती है, क्योंकि काल सर्प की शांति का एकमात्र स्थान उज्जैन ही है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर विराजमान है, शिप्रा नदी विराजमान है, सभी देवता उतर है यहाँ पे आके अपने स्वरूप को भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यह कृष्ण पड़े राम पड़े, इसलिए यह नगरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मंदिर वर्ष में एक बार खुलता है, इसका महत्व यह है कि यह साक्षात नाग महाराज विराजमान होते हैं और जोड़ा है यहाँ पे व्हाइट कलर का भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से, लेकिन जो भक्त होता है उनको दर्शन होते हैं। इस प्रकार से ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके हम लोग मुख्य पुजारी है महाकालेश्वर मंदिर पुजारी रमन गुरु त्रिवेदी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।